खबरें खेल के मैदान से। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में शिरकत के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लाहौर एयरपोर्ट से भारत के लिए रवाना हो गई। कौमी क्रिकेट टीम रास्ता दुबई भारत पहुंचेगी। दुबई पहुंचने पर कौमी क्रिकेट टीम वहां 9 घंटे कयाम करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे हैदराबाद पहुंचेगी। कौमी टीम 29 सितंबर को अपना पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में ही शेड्यूल है, जबकि टीम वर्ल्ड कप में 6 अक्टूबर से नीदरलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला तय पा गया। ज़राए के मुताबिक कई माह से इल्तवा का शिकार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला फ्रीकैन के दरमियान वामी इतफाक से तय पा गया। कौमी क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट की कई शिकों पर एतराजात थे। पीसीबी ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स के तमाम तहफ़ुज़ात दूर कर दिए गए। खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट 30 जून को खत्म हो गए थे। ज़रा के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम की मसरूफियत के बाइस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत का अमल मुकम्मल ताखीर का शिकार हुआ। अफगानिस्तान सीरीज, फिर वतन वापसी और फिर एशिया कप के लिए टीम के श्रीलंका जाने की वजह से क्रिकेटर से मजीद बातचीत नहीं हो सकी थी। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स नेजाबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने पर अरशद नदीम को 30 लाख रुपए का चेक बतौर इनाम दिया है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी से अरशद नदीम की मुलाकात हुई, जिसमें मोहसिन नकवी ने अरशद नदीम को 30 लाख रुपए का चेक दिया। निगरान वज़ीर-ए-आला ने अरशद नदीम की दरख्वास्त पर मियां चन्नू स्टेडियम के लिए फंड्स फ्राम करने का भी ऐलान किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि कम वसाइल के बावजूद पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियत हर किस्म के शक व शुबा से बालातर है।